हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जेंट्स हवाई टी शर्ट किस तरीके से सिलाई करना है। ये मैं पिछले वीडियो में काट किया है। तो फ्रेंड्स, श्रोता सीक्वेंस से आप अभी तक चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और ये देखिए, ये बैक पार्ट है और ये देखिए बैक पार्ट का जो ऊपर का पार्ट है इसको मैं डबल काट किया है। और ये देखिए इसको किस तरह से सिलाई करना है। एक को इस तरीके से सीधा साइड और सीधा साइड की तरफ से मिलाकर रखना है और देखिए दूसरा को इसके ओपन में रख दूंगी इस तरीके से। देखिए अभी यहाँ से सिलाई लगाऊंगी हाफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा लेकर। सिलाई डबल सिलाई करना है और अभी देखिए, ये देखिए ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है और ये देखिए सिर्फ इसी जगह में डबल फुल करके सिलाई करूँगी। ये देखिए ये उल्टा साइड की तरफ से और ये सीधा साइड की तरफ से, लेकिन दोनों सीधा साइड की तरफ से ही लग रहे हैं। और अभी देखिए इसको इस तरीके से बराबर मिला लेना है। मिलाने के बाद अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी और ये देखिए फ्रंट पार्ट है और ये देखिए इसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो 2 इंच ज़्यादा लिया है हुक के लिए। तो अभी इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। एक पार्ट सिलाई कर लिए, अभी दूसरा साइड को भी ठीक इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी। ये देखिए जो 2 इंच है इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए सिलाई कर लिया, ये किस तरह से रहेगा देखिए। ये देखिए एक नीचे की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से रहेगा। जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं बुटाम सिलाई करूँगी और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बुटाम के लिए घर बनाऊँगी। और ये देखिए बराबर हुआ है। तो अभी देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को किस तरह से ज्वाइन करना है। इसमें जो डबल फोल्ड है तो देखिए इसको किस तरह से सिलाई करना है। सबसे पहले देखिए मैं इसको देखिए आर्महोल का साइड की तरफ से इसको मिला कर रखूँगी और फिर अच्छे से मिलाने के बाद इसको इस तरीके से उल्टा कर लूँगी। ये देखिए, देखिए मेरे हाथ की तरफ से थोड़ा ध्यान दीजिए और ये देखिए इस तरह से देखिए। और देखिए एक साइड सिलाई कर लिया और ये देखिए अभी दूसरा साइड की तरफ से भी ठीक उसी तरीके से सिलाई कर लूँगी। इसको भी देखिए आर्महोल का साइड की तरफ से इसको पलटना है और देखिए इसको यहाँ से एक पार्ट को मिला कर लूँगी, फिर इसको देखिए इस तरीके से घुमा लूँगी और ये देखिए इस तरीके से घुमा लूँगी, फिर यहाँ से सिलाई कर लूँगी। ये देखिए सिलाई कर लिया, इसको देखिए सीधा साइड की तरफ से पलट लिया। तो अभी मैं यहाँ से देखिए स्लीव सिलाई करूँगी।
फिर देखिए स्लीव का मोहरी से इसको फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। ये देखिए स्लिप सिलाई कंप्लीट है। तो अभी कॉलर के लिए पहली नेक को मेजरमेंट लेना है कि कितने इंच तक है। ये देखिए 17.5 इंच है। तो अभी इसी हिसाब से कलर काट कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ से कलर काट कर लूँगी। और इसको देखिए मैं फोल्ड फुल कर लिया है। तो अभी यहाँ से देखिए कलर का सराई लूँगी 2.5 इंच। टू फोल्ड में 2.5 इंच रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से फुल कर लूँगी। यहाँ से देखिए 2.5 इंच लेकर काट कर लूँगी। 2.5 इंच टू फोल्ड में। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया इसलिए मैं कटिंग का वीडियो नहीं दिखा पाया। और ये देखिए इसको कितने इंच तक लेकर काट किया है। और ये देखिए 17.5 इंच लेकर काट किया है। और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है, इस साइड हाफ इंच और इस साइड हाफ इंच। तो अभी देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और इसके लिए देखिए इस साइज़ का एक फैब्रिक लूँगी। इसका ऊपर में देखिए इस कॉलर को बिठा कर रखने के बाद यहाँ से सिलाई कर लूँगी। और अभी देखिए यहाँ से इसको काट कर लूँगी। फिर देखिए अभी कलर को पलट लेना है। देखिए इस तरीके से पलटना है।
और देखिए आपके पास टेस्टर होने से आप टेस्टर से इस तरीके से इसको निकाल देना है। अभी देखिए कॉलर सिलाई करना है, इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से सिलाई करके सीधा साइड की तरफ से पलट कर लेकर आना है। और ये देखिए कॉलर सिलाई कर लिया, ये उल्टा साइड की तरफ से है। इसमें देखिए मैं बकरम यूज नहीं किया है, अगर आपके पास बकरम होने से आप बकरम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बकरम नहीं है इसलिए मैं बकरम नहीं लगा पाया। और ये देखिए ये सीधा साइड की तरफ से है और ये उल्टा साइड है। और अभी देखिए कौन सा साइड में बोतम सिलाई करना है, इस साइड में देखिए बोतम सिलाई करना है। ये देखिए ये नीचे वाला साइड है, ये देखिए सिलाई पूरा कंप्लीट है। फ्रेंड वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हार आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये देखिए बिना बकरम के शर्ट बनकर तैयार है। और ये देखिए कॉलर में मैं थोड़ा सा डिजाइन किया है बोतम से। और ये देखिए ये बोतम का साइड है नीचे वाला साइड, और ये देखिए नीचे से इसको फुल कर सिलाई कर लिए। जेंट्स हवाई शर्ट बनाना बहुत ही आसान है, लेडीज से भी बहुत आसान है, इसका सिलाई कटिंग भी बहुत ही आसान है। तो फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।